अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉकेट। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान में बॉस के नाम से पहचानी जाती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सुजुकी महरान VX, काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाने वाली कार है ये पाकिस्तान में। ये कार इतने पाकिस्तान में बाइक नहीं है जितनी ये कार हर गली में जहाँ पर आप देखेंगे ये गाड़ी घूम रही होगी। कार में इतने ज़्यादा फंक्शन हैं मैं आपको गिना नहीं सकता, आप खुद ही मेरे साथ देख लीजिएगा। चलें पहले इस कार का वॉक अराउंड करते हैं, फिर फुल डिटेल बताएंगे आपको। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलें व्यूअर्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी फ्रंट की तरफ आएँ तो काफ़ी अच्छा फ्रंट है इसका, जिसमें कुछ भी नहीं दिया गया। ये आप देख सकते हैं सिंपल सी ग्रिल, सुजुकी का लोगो महरान। इसमें पार्किंग लाइट दी गई है हलोजन बल्ब में और इसकी मेन लाइट भी हलोजन बल्ब में। ये नीचे इसका बम्पर है जो पिछले 30 सालों में हर बार ये थोड़ी सी चेंज कर दिया जाता है इसके बम्पर में। यहाँ पर नीचे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, आप इसके बम्पर को देख सकते हैं। बाकी पूरी गाड़ी सेम है, बस सिर्फ थोड़ी बहुत चेंजेस की गई हैं इसमें। जैसे ये आप देख सकते हैं पहले ये येलो में आता था, ये अब वाइट कर दिया। नीचे इसमें डनलप के टायर इंस्टॉल हैं और आप इसके रिम देख सकते हैं, ये आफ्टर मार्केट है। काफ़ी अच्छे टायर्स हैं इसमें। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स आती हैं और बैक पे ड्रम ब्रेक्स। आप इसके मिरर देख सकते हैं, जो इमें हाल में 100 रुपये का इसका मिरर है, काफ़ी चीप क्वालिटी का है। ये इसमें एयर प्रेस इंस्टॉल है लेकिन ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगाए गए हैं, ये आफ्टर मार्केट है इसमें। आप इसका डोर हैंडल देख सकते हैं, ब्लैक में दिया गया है अभी तक इन्हें, ये तो वाइट में देना चाहिए था ऑलमोस्ट। ये आप देख सकते हैं डोर हैंडल, ये एयर प्रेस, ये इसकी विंडो प्राइवेसी ग्लास में की गई है। ये इसका फ्लूइड ओपनर। इस कार में कोई कट नहीं दिया गया, एक ये लाइन दी गई है जो बैक से आप देख सकते हैं फ्रंट पे, और यहाँ पे नीचे आप दिखा सकते हैं अगर कोई ये कट दिया गया। बाकी बिल्कुल सिंपल सी गाड़ी है ये, जो जिनकी कार थी उन्होंने बैक से थोड़ी डाउन की हुई और फ्रंट से थोड़ी सी अप की हुई है थोड़ी स्टाइल के लिए। ये इन्होंने बैक जो स्क्रीन है वो प्राइवेसी ग्लास में की हुई है। ये आप देख सकते हैं इसकी टेल लाइट्स, ये भी अभी मैं हाल में 10-11 साल पहले चेंज की गई थी, 2 दफ़ा मेरे हाल में 2 या 3 दफ़ा ये लाइट चेंज की गई हैं। बाकी से वही सिंपल लाइट्स है, की से ही ऑन होता है इसका बूट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट दी गई है नंबर प्लेट के लिए। अब इसका बैक बम्पर देख लें रुमान, तो ये यूरो 2 जब ये कार लॉन्च हुई थी यूरो 2 में तो तब ये बम्पर दिया गया था, अभी तक वही बम्पर चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं की गई इसमें। ये सुजुकी महरान VX आप देख सकते हैं, ये कार बैंक इस्लामाबाद जिन्होंने हमें ये गाड़ी रिव्यू के लिए प्रोवाइड की, इनके पास काफ़ी ज़्यादा कार्स हैं। ये आप इसका बैक डोर देख सकते हैं अंदर से, चले बंद कर देते हैं इसको। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छी है, ये वाहिद हैचबैक कार है जो हर जगह पर जा सकती है। इस तरफ से आप लुक देख लेंगे दफा कार की। नीचे SP के स्पोर्ट्स टायर इंस्टॉल है काफ़ी अच्छे, या आप अंदर से देख लें एक दफ़ा, वही सिंपल सा इंटीरियर है। फिर आपको अंदर बैठ के पूरी डिटेल से बताएंगे। यहाँ पे एंटीना दिया गया है हाथ से खोलने बंद करने वाला। ये वाइपर देख सकते हैं आप, ये वॉशर, शुक्र है वॉशर तो दे दिया कंपनी है, वरना वैसे उम्मीद नहीं थी कंपनी से ये भी दे। इस कार के जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी सस्ते हैं, मिहाल में इसके जो एक बम्पर है वो मिहाल में 800 रुपये का, इसका फ्रंट बम्पर और बैक बम्पर भी 800-900 रुपये का। इतनी कुछ ज़्यादा प्राइसेस नहीं है इनकी, काफ़ी चीप प्राइसेस हैं इनके पार्ट्स की, तब भी ये पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा चलती है।
चले अब अंदर बैठते हैं और आपको फुल डिटेल एक्सप्लोर करवाते हैं इसकी, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं, और इसमें इतने ज़्यादा फंक्शंस हैं मैं आपको गिना नहीं सकता। चले अंदर बैठ के एक्सप्लोर करते हैं। चले व्यूअर्स, हम अब अंदर आ गए हैं बॉस के, बॉस कार के अंदर। यहाँ पे देख लें सुजुकी का लोगो, सिंपल सा। नीचे SRS एयरबैग लगा हुआ। यहाँ पे रहमान की इस कार में कोई एयरबैग वगैरह नहीं है। यहाँ से आप हैजर लाइट ऑन कर सकते हैं, ये इसको यूं करके। यहाँ से वाइपर के कंट्रोल्स हैं, इस तरफ हाई लो कर सकते हैं, इस तरफ इसकी लाइट के कंट्रोल आप दिखा सकते हैं डिपर वगैरह के लिए। ये रुबान माशाल्लाह से एसी है, वही मुझे जो लगता है VX में नहीं आता ना रुबान एसी। नहीं VX में जी, मतलब इसमें एसी नहीं है, शायद आफ्टर मार्केट लगाया गया हो। यहाँ से एसी, आप इसकी हवा को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप हॉट और कोल्ड कर सकते हैं। इधर दिखाएं तो यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स दिए गए हैं, साइडों पे भी नहीं दिए गए, ऑलमोस्ट 4 AC वेंट दिए जाने चाहिए थे। जो रुबान 89 में लॉन्च हुई थी ये, तब इसमें 4 AC वेंट्स थे, उसके बाद उन्होंने 2 कर दिए। मुझे ये बात समझ नहीं आई, कंपनीज अपनी कार्स में चीज़ें को बढ़ाती हैं, ये सुजुकी वाले कम कर रहे हैं। नहीं बस असल में इसका AC काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो बहुत ज़्यादा कूलिंग हो जाती थी, जिस वजह से इन्हें कम AC वेंट्स कर दिए। जी रुबान, उन्होंने कहा कि बंदा सर्दी से मारी ना जाए। बिल्कुल। ये एस्ट्रे दी गई है, यहाँ पर लाइटर दिया जाता है, ये भी आफ्टर मार्केट में हमें लगी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका गियर लीवर, यहाँ पे हैंड ब्रेक की मुझे पोजीशन अच्छी लगी है, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। कोई कंसोल बॉक्स मेरा हाथ यूं होगा जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, नीचे को बैठने की भी सही जगह नहीं है। यहाँ पर रुबान व्यूअर्स को मेरा हेड स्पेस दिखाएं, ये देखें बस, मेरा सर थोड़ा सा टच होने वाला है, बिल्कुल करीब ही है। और लेग रूम आप देख लें, मैं मुझे लग रहा है कि मोड़ूंगा तो ये यहाँ मेरी टांगों में फंसे ना, मैं यूं चला रहा हूँ। ये देखें, अगर यूं मैं पाँव रखा हुआ है इस पे, तो ये देखें मेरी टांग मतलब टच हो रही है आगे स्टेरिंग व्हील के साथ। अगर कोई मतलब पीछे कोई ऐसा बंदा बैठा हो कि मुझे सीट आगे करनी पड़े, ये आप आपको दिखा रहा हूँ मैं, अगर ये देखें तो मेरी टांगें टच होंगी इसके साथ। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे पाँव रखता हूँ तो मेरी यहाँ पे टांगें टच हो रही है इसके साथ, इतना ज़्यादा कम्फर्टेबल सीट्स हैं इसमें। बाकी इसके ग्लव बॉक्स आपको दिखाता जाएँ, ये आप देख लें, इतना बड़ा ग्लव बॉक्स मैंने आज तक देखा नहीं है। वैसे आपने देखा है रुबान? बिल्कुल नहीं। ये स्पीकर चेक करो यार इसका। जी रुबान, इतना बड़ा स्पीकर, और यहाँ पे ये क्या चीज़ आ गई ये रुबान पाकिस्तानी कार की निशानी है, पावर विंडोज। इतनी पावर है कि आप हाथ से घुमाएंगे तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगी। ये पेंट देख लें। जी रुबान, ये थोड़ी मुझे लगता है पुरानी कार होगी इस वजह से, पेंट तो रुबान वैसे भी इस कार का उतर जाता है, कोई अच्छी क्वालिटी होती नहीं है पेंट की। अब डैशबोर्ड देख लें, कितनी सॉफ्ट टच मटेरियल है रुबान, सॉफ्ट टच नहीं, काफ़ी चीप मटेरियल यूज़ किया गया इसके डैशबोर्ड में। ये फट जाता है रुबान यहाँ से कुछ साल बाद। और ऊपर आ जाए यहाँ पे सनशेड में, तो कोई वैनिटी मिरर तो खैर, ये भी अच्छी क्वालिटी के नहीं दिए गए माशाल्लाह रुबान, माशाल्लाह LED लाइट दी गई है यार, मुबारक हो। ये कहीं आफ्टर मार्केट तो नहीं रुबान? इस पे हाल लगा के देखो यार, ये तो इतनी हीट हो रही है कि आग लग रही है इससे। जैसे ये आफ्टर मार्केट है? हाँ जी रुबान, ये आफ्टर मार्केट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, तो मुझे लगता है फट जाएगा इसमें जो बल्ब होगा। अच्छा अभी ऑन ही रखो, ये जरा दिखाएं इसका हैंडल। जी रुबान, ये ग्रैब हैंडल है, मैंने कभी ऐसी कार में देखा है, और वो भी ड्राइवर वाले साइड पे ही दिया गया माशाल्लाह से, कि बूढ़ा आदमी ना चला सके। जी सही बात है। ये इसका वैक्यूम मिरर आप देख सकते हैं, चीप क्वालिटी का। ये मैंने शायद 150 का लगवाया था, 120 या 150। अच्छा चलो, चीज़ें सस्ती हैं वो अच्छी बात है, आम बंदे की रेंज में है, जो नॉर्मल पर्सन है। चीप ही है जी रुबान, क्वालिटी बहुत चीप है। इसके मीटर की तरफ आएँ तो इतना बड़ा स्पीडोमीटर मैंने आज तक देखा नहीं वैसे। ये यहाँ पे फ्यूल एवरेज और ये टेम्परेचर के लिए, ये इसमें स्पीडोमीटर दिया गया है। ये कार 77,441 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक, इसमें कोई मसला नहीं आया, काफ़ी अच्छी गाड़ी है ये, मेंटेन करके रखी है। जी रुबान, रुबान मैं तो कम्फर्टेबल बैठा हूँ, आप कम्फर्टेबल बैठे हो? यार मैं नॉर्मल सही बैठा हूँ, इसकी जो सीट्स हैं वो लॉन्ग जर्नी पे काफ़ी दिखाती हैं। जी रुबान, इतनी कंफर्टेबल यार, अब इससे क्या कंफर्टेबल आप स्पेक कर सकते हो? क्यों मैं रहा ना यार, आप कोई लग्जरी कार में तो बैठे नहीं हो। नहीं, इस रेंज में अगर बंदा जैपनीज कार ले तो फिर पता लगता है बैठ के। जी रुबान, आप इस रेंज में अगर कोई भी 8 लाख की रेंज में आती नहीं होगी, मुझे लगता है ये 8.5 लाख की, जब ये बंद हुई थी कार तो 8.5 लाख रुपये की थी। चलें रुबान, आप बैक पे जाएं, अभी उसको बैक का कम्फर्ट दिखा दें। ओ भाई जान, ये तो सर पे लगी है यार। वैसे ये इसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए था मेरे ख्याल से, अगर कोई बड़ा बंदा बैठे यार तो उसके सर पे लगेगा। यार भाई मेहरान है ये, कोई आपको कोई लग्जरी कार तो नहीं है ये? नहीं, फिर भी थोड़ा भी तो देखना चाहिए व्यूअर्स के लिए।
चलें अब अंदर बैठ गए हैं गाड़ी के, पीछे सीट्स के पीछे पॉकेट्स दी गई हैं अगर आप दिखा सकते हैं। बैक पे आ गए हैं, इसका हेड स्पेस देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है। लेग स्पेस के लिए तो काफ़ी ज़्यादा जगह है, सिविक से ज़्यादा मेरे ख्याल से भाईजान जगह दी गई है। हम देखें जी, बड़े साइज़ का हम दिया गया और सीट्स जो है फैब्रिक्स का यूज़ किया गया, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की सीट्स हैं। हेड रेस्ट दिए गए हैं पीछे तीन। भगवान इस कार में तो वीडियो भी नहीं बनाई जा रही, इतनी बड़ी गाड़ी है। बिल्कुल यार, ये ऊपर लाइट शाइट कोई नहीं दी गई है यहाँ पे, और एयर बैग का तो एक नाम भी नहीं है गाड़ी में। बाकी सीट्स इसकी यार काफ़ी कंफर्टेबल हैं, लॉन्ग जर्नी पे आपको दिखाएंगे नहीं, तीन एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं इस गाड़ी में। दिखा दें आप रवान, तीन कहाँ से बैठ जाएंगे? नहीं, दो भी मुश्किल से ही बैठेंगे मेरे ख्याल से, तीसरे बच्चे के लिए तो जगह नहीं बचेगी। हेड रेस्ट दिखा दें, ये छोटे छोटे से हेड रेस्ट दिए गए हैं। हेड रेस्ट दिखाएं, ये देखें, अगर बंदा थक जाए तो यूं करके लगाएगा। ये हैंडल दिए गए हैं दोनों पे, शुक्र है ये तो दे दिए जी। आगे और क्या बताएं इस गाड़ी के बारे में आपको, कुछ सोच लो यार। यार देखते हैं, सीट बेल्ट दी गई है भाई, सीट बेल्ट दिखाएं यार। ये रवान फ्रंट के लिए, बैक के लिए नहीं है। ओहो, कोई चीज ढूंढ लो यार जो ये, आपको ये मिल जाए। ये दिखाएं, ये दिखाएं आप व्यूअर्स को, ये चिंग 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 चिंग। अब क्या बताएं व्यूअर्स आपको इस गाड़ी के बारे में, कुछ समझ नहीं आ रही है यार। कोई चीज देख लो यार, यार कोई चीज तो देख लो यार इसके बारे में, ऐसा अरमान कैसे कर सकते हो इस कार के साथ, नहीं मिल रही यार। मैं परेशान हो गया इस गाड़ी के अंदर बैठ। चलें व्यूअर्स, अब आपको बस इसका इंजन ही दिखा सकते हैं, हिम्मत टूटी हुई है भाई की। चलो व्यूअर्स बाहर चलते हैं, अब बच के जाइएगा यार। चलें व्यूअर्स, अब इसका इंजन ओपन करते हैं। कहाँ पे गया यार, इसमें तो बंदे का हाथ भी नहीं घुसता। कंधा यार, कहाँ से बंदा खोले इसको? अच्छा यूं करना पड़ेगा। हाँ माशाल्लाह से खुल गया बोनेट इसका, मुबारक हो यार। एक मिनट यार, यार मुझसे गिर जाएगा यार, एक मिनट सबर करो, मुझे इसको लगाने दो। ओए भाई, अब ठीक है, अब ठीक, अब तसल्ली हो गई। भरोसा नहीं है इसका, भरोसा नहीं है यार। ये क्या है यार, ये देखो, ये छोड़ दे भाई, छोड़ दे, टूट ही ना जाए यार। ये एसिड वाली बैटरी है भाई, एसिड लीक हो रहा है। ये रुमान देख लो, यहाँ पे लीक हुआ है, यहाँ पे देखो। माशाल्लाह माशाल्लाह जी जी। अब इसके इंजन की तरफ आए, ये क्या चीज है भाई, ये क्या यार, अब जंग ला के उतर रहे ना, पुरानी गाड़ी होगी। अच्छा इसका इंजन आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ये 800 सीसी इंजन है, वो इतनी ज़्यादा पावर एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है, आप तो सुन के हैरान हो जाएंगे। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिए। एवरेज बता देना भाई जल्दी से। जी रवानी है 16 से 17 तक एवरेज कर लेती है शॉर्ट पे, और लॉन्ग पे 18 से 20। इसी वजह से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा सेल होती है इसकी, एवरेज और इसकी पार्ट्स की चीप प्राइस की वजह से। चलें हम इसके बोनेट को बंद कर देते हैं। बोनेट को बंद कर दिया, आप देख सकते हैं फ्रंट से। अब इसमें दिखाने के लिए कुछ बचा नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता। चलें व्यूअर्स, आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।